अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने जी सूट अकाउंट से, जी सूट अकाउंट मीन्स हमारे इंस्टीट्यूट का जो अकाउंट होता है जिसमें ac.in होता है, उस अकाउंट से कैसे हम मीटिंग को सेट कर सकते हैं और उस अकाउंट में क्या एडवांटेज है, जी मेल अकाउंट से कैसे वो फर्क उसमें है। तो अगर ये, दिस इज माई जी सूट अकाउंट, ये मेरा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है, दिस इज माई जी सूट अकाउंट दैट हैज द एक्सटेंशन ac.in। इसके थ्रू में देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स, वन इज द अबाउट द पार्टिसिपेंट्स एंड द अदर वन इज द अबाउट द रिकॉर्डिंग। सो दीज टू एप्लीकेशंस दे मेक्स दिस जी सूट अकाउंट वेरी मच सुटेबल फॉर गूगल मीट। टू स्टार्ट वी हैव टू गो टू दिस गूगल एप्स, गूगल एप्स में हम जाएंगे, देन अगेन गो टू द कैलेंडर, फिर से हम कैलेंडर में जाएंगे। पहले हमें क्या करनी है, मीटिंग अपनी सेट करनी होगी। तो गूगल कैलेंडर में जाने के बाद वी हैव टू सेट आवर मीटिंग। मेरी पहले से ही मीटिंग एक कन्फर्म्ड है, लेट्स क्रिएट अनदर मीटिंग। एक मीटिंग क्रिएट करके देखते हैं हम। टाइटल इसका दे देते हैं जी सूट टेस्ट लिंक मीटिंग, ठीक है। तो इसका टाइटल हमने ये दे दिया। अब मैं इसको एक दिन के लिए, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे हम इसको करते हैं। देखिए, हम ऑल डे कर देंगे तो हमें यहाँ पर पूरा 15 अगस्त के दिन भर की मीटिंग हमारी सेट हो जाएगी। अगर हम ऑल डे हटा दें तो हम ऑल डे करने के बाद यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। अगर हमें 19 अगस्त तक चाहिए देन वी कैन डिसाइड द डेट। अब हमें ऑल डे नहीं चाहिए देन वी कैन डिसाइड द टाइम कि 15 अगस्त से 19 अगस्त तक ये मीटिंग 4 बजे से 5 बजे तक चले। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम फिक्स कर सकते हैं। ओके, एट गेस्ट, आप गेस्ट ऐड कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमने इससे पहले किया था। वी कैन ज्वाइन द गूगल मीट, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 पार्टिसिपेंट्स। तो अगर हमें अधिक पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है तो 250 पार्टिसिपेंट्स हम इस मीट के थ्रू जोड़ सकते हैं। वी कैन कॉपी द लिंक्स, यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं लिंक को, और इस लिंक को वी कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। और इसके अलावा हम इसमें और इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। वी कैन ऐड दिस गेस्ट्स, हम और गेस्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं अपने को दूसरा गेस्ट बना सकती हूँ। तो हम एक गेस्ट को क्या होगा, इनविटेशन तुरंत यहीं से चला जाएगा। इफ़ वी हैव द ईमेल एड्रेसेस देन वी कैन ईजिली इनवाइट देम। इस मीटिंग को अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो ये मीटिंग, एक नई मीटिंग क्रिएट होगी जो कि 15 अगस्त से 19 अगस्त तक का टाइम क्रिएट होगा। रोज ये इवेंट जो है वो डेली हम इसको सेट कर देते हैं। तो 4 से 5 PM होगा और इसमें इसकी विजिबिलिटी हम पब्लिक कर देते हैं। तो लेकिन ये जो हमारी वेबसाइट है, ये जो हमारा, सॉरी, जो हमारा जो जी सूट अकाउंट है, यहाँ पर जब जो मीटिंग में एंट्री करेंगे उनको दे रिक्वायर परमिशन, तो वो परमिशन मांगेंगे। सो वी हैव टू एडमिट द परमिशन, हमें वो परमिशन एडमिट करनी होगी। मैं देखते हैं तो वो, क्योंकि वो उनका जो ईमेल एड्रेस है वो ku.nainital.ac.in नहीं है, इसलिए उनको एडमिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एडमिट वाला बटन क्लिक करना होगा। तो एक बार हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने उनको एंटर कर दिया अपनी मीटिंग में तो फिर नेक्स्ट टाइम वी हैव नो प्रॉब्लम, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये जो, अगर हम जीमेल अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सबके अकाउंट क्या होंगे, जीमेल होंगे। यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है वो ku.nainital.ac.in है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से अपना सबके अकाउंट ऐड कर लूँ तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत होगी जब ये किसी के अकाउंट में ku.nainital.ac.in नहीं होगा तो वो उनको कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बाहर मानेगा और उनको एडमिट करने के लिए आई हैव टू गिव द परमिशन। ओके, नाउ आई विल सेव। अब मैं इसको सेव कर दूंगी। लेकिन जीमेल अकाउंट के थ्रू अगर हम अगर हम उसको जाएंगे तो जीमेल अकाउंट के थ्रू जाने पर क्या होगा कि उसको जो है हमें
ये हमें उसको परमिशन नहीं देनी पड़ेगी, उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना परमिशन के ही वो एंटर कर सकता है। मेरे रेडिट मेल में मेल आ चुकी है। जो आवाज आपने सुनी थी इससे पहले वो इसकी आवाज थी कि इसमें एक मेल आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन था। ये देखिए, मुझे एक इनविटेशन आ गया, जी टू सूट टेस्ट मीटिंग। आप देख सकते हैं जी सूट। अब यहाँ पर जो मुझे इनविटेशन आया वो जी सूट से आया, क्योंकि मेरा अकाउंट क्या था कि KU नैनीताल.ac.in। और आप यहाँ देख सकते हैं 15 अगस्त से ये मीटिंग शुरू होगी, 19 अगस्त तक चलेगी और ये मीटिंग 4 से 5 PM तक होगी। तो ये यहाँ पर जो सेटिंग है, अच्छा यहाँ जो मेरी सेटिंग हो पाई है वो हुई है 19 अगस्त को 5 PM पे और 15 अगस्त को ये 4 PM पर मेरी सेट हो पाई है मीटिंग। तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकती हूँ। पहले मैं ये तो मैं क्या हूँ, गेस्ट। पहले मीटिंग को देखें, जो जिसने बनाई है वो अपनी मीटिंग को पहले ऑन कर ले। मीटिंग सेट हुई है वो 4 बजे से 5 बजे तक, 15 अगस्त से 19 अगस्त तक ये चलेगी। तो लेट्स गो टू माय अकाउंट, वहां से आई कैन गो टू द गूगल मीट। मैं गूगल मीट में जाऊं और यहां से गूगल मीट में जाने के बाद आई विल गो टू जी सूट टेस्ट मीटिंग, क्योंकि ये मैंने क्रिएट की थी। आप एक बार मेरा कैलेंडर फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कैलेंडर है। कैलेंडर में आप देखिए कि वो जो मीटिंग है पर्पल कलर से आनी चाहिए। ये देखिए, जो तीसरी मीटिंग मैंने सेट की वो पर्पल, दूसरी मीटिंग जो पर्पल कलर से आई, ये मेरी पहली की मीटिंग है। तो ये पर्पल कलर से जो मीटिंग आई है, ये मीटिंग मेरी नई मीटिंग है और ये 4 से 5 चलेगी। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये मीटिंग की डिटेल आ जाएंगी, और इसको अगर मैं एडिट करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि 4 से 5 बजे तक 19 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी। ये अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर मीटिंग में। देन नाउ I can stop my video, I can stop my mic and I can join it. अब मैं इसको join कर लिया है मैंने इस meeting को। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक guest की तरह आती हूँ। मुझे invitation आया था, तो इस invitation के through भी मैं इसमें आ सकती हूँ। Already मुझे एक मिला था। अब यहाँ पर मैं guest की तरह enter कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही ask हो चुकी हूँ। तो हो चुकी, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर अपना माइक बंद नहीं किया है, मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है, मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आ गई हूँ क्योंकि मुझे परमिशन मिल चुकी है इसमें पहले ही। नहीं तो क्या होगा कि अगर कोई नया इनविटेशन होगा तो मैं उसको एडमिट करूंगी। डिस्कार्ड और एडमिट का एक ऑप्शन आएगा, उसको मैं एडमिट करूंगी, तो दे कैन एंटर इनटू माय मीटिंग। मेरा जो KUNTL अकाउंट है वो क्या देख सकता है, वो देख सकता है कि कौन किसका अकाउंट में KU नैनीताल.ac.in नहीं है। लेकिन ये दोनों, ये जो अकाउंट है मेरा, इस अकाउंट से मैं ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर आ चुकी हूँ, इसलिए एडमिट होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब आप अगेन देख रहे हैं, देयर आर टू पीपल, दो पीपल यहाँ पर हैं, दो लोग हैं। आप ये देख चुके हैं 250 लोग से ज्यादा इसमें, 250 तक इसमें स्ट्रेंथ हो सकती है, 250 तक इसमें लोग आ सकते हैं। और अगेन यू कैन सी, यहाँ पर मैंने पहले से ही एक्सटेंशन अपलोड किए हुए हैं। यहाँ से डायरेक्ट मुझे क्या मिल जाएगी, अटेंडेंस यहाँ से भी मिल सकती है। आप देख सकते हैं ये मेरी पुरानी मीटिंग्स की अटेंडेंस है, और यहाँ से वी कैन सी द अटेंडेंस। ये दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय 15 तारीख को 4:14 पर, तो ये इनकी अटेंडेंस आ गई। देखिए बहुत इजी है, डायरेक्टली हम यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाके मैं क्लिक कर दूँ, क्योंकि मैं पहले ही सारे एक्सटेंशन ऐड कर चुकी हूँ। चाहे मैं यहाँ पर जाके यहाँ से मैं एक CSV फाइल को डाउनलोड कर लूँ, तो ये मैं अगर डाउनलोड करूँगी देन आई विल गेट दी अटेंडेंस ऑफ दिस सेशन। ये आपको एक जो जिसकी मीटिंग चल रही है उसको छोड़कर दूसरे की अटेंडेंस देगा। तो ये एक मेंबर दिखा रहा है मेरे मीटिंग में, तो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं CSV में। और यहाँ से अगर हम अटेंडेंस लेंगे तो दो लोगों को दिखा रहा है, एक जो जिसकी मीटिंग चल रही है और एक जो ले रहा है। तो यहाँ से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट मीटिंग का, और इसका प्रिंट आउट हम रख सकते हैं। तो ये अटेंडेंस हमें डायरेक्ट पता चल रही है कि कितने बच्चे हमारे ग्रुप में प्रेजेंट हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन, अगर मैं देखूँ तो एक जो ऑप्शन मुझे ओके दिस इज दी, ये किसका है, ये तो गेस्ट का है, ये दिस इज माइन, ये मेरा
है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ फैसिलिटी हम देखना चाहें तो यहाँ पर हमें फैसिलिटी मिलेगी। देखिए एक फैसिलिटी जो आ गई रिकॉर्डिंग की, तो आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, और जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी इट विल बी सेव्ड इन माय गूगल ड्राइव। ये कहाँ सेव हो जाएगी, मेरी गूगल ड्राइव में सेव होगी। इसको शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये देखिए जी सूट मीटिंग आ रही है, अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है इसका मतलब। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जब मेरी, जब मुझे रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई वेबिनार्स कराते हैं, कोई क्लास हो रही है, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग देन वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग अगेन। ये मैं स्टॉप कर दूंगी, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और ये मेरे गूगल अकाउंट में जाके सेव हो जाएगी, मेरी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम अटेंडेंस भी ले सकते हैं, 250 पीपल को हम इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, एंड वन ऑफ द फीचर इज द रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको इसका फीचर बताती हूँ दोनों का, वो चाहे हम जीमेल से करें चाहे हम इसको हम जी सूट से करें, दोनों से ही एक फीचर है जिसमें कि हम प्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया था हम वी कैन ऐड द प्रेजेंटेशन, अगर मैंने नहीं बताया है तो आई कैन अगेन शो यू हाउ वी कैन ऐड द प्रेजेंटेशन। बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ तो एक तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो कोई भी बच्चा जो मीटिंग में प्रेजेंट हो प्रेजेंट ना करे, ये कोई अटेंडेंस नहीं है। दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन जो हम दिखाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ही अपना प्रेजेंटेशन ऑन रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बैकग्राउंड में अपना प्रेजेंटेशन खोला है, आप देख सकते हैं दिस इज माई प्रेजेंटेशन। नाउ आई विल गो टू द प्रेजेंट नाउ, और विंडो में मैं जाऊंगी और ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगी, शेयर कर दूंगी। तो ये प्रेजेंटेशन अब सबके बीच में क्या हो गया, शेयर हो गया। तो इस प्रेजेंटेशन को सब लोग देख सकते हैं, मैं चाहे इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊं और मैं इसके बारे में इनको यहाँ पढ़ाते रहूं तो आई कैन टीच दैम थ्रू दिस शेयरिंग। दूसरी शेयरिंग मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमें शेयरिंग बंद करनी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं, और स्टॉप शेयरिंग कर दी मैंने तो अब जो है वो इसमें शेयरिंग नहीं हो रही है। एक मेथड मैं आपको और बताऊंगी कि हम डायरेक्ट इसमें पढ़ा सकते हैं थ्रू कैनवास, कैनवास के थ्रू हम इसमें पढ़ा सकते हैं। देखिए ये फीचर है गूगल मीटिंग का, चाहे हम किसी भी गूगल मीटिंग में जाएं, चाहे हम थ्रू जीमेल जाए या जी सूट जाए, ये कैनवास है। इस जैसे जैम बोर्ड होता है जूम मीटिंग में, ऐसे ही यहाँ पर कैनवास है। इस कैनवास में वी कैन लाइव होके हम इसमें पढ़ा सकते हैं। यू कैन सी आई कैन ड्रॉ द डायग्राम्स, और आई कैन इजिली ड्रॉ द डायग्राम्स, एंड आई कैन दिस आई कैन टीच एनी थिंग अबाउट, लाइक आई एम राइटिंग अबाउट सीएफटी, आई कैन ड्रॉ द डायग्राम्स, आई कैन ड्रॉ द डायग्राम्स, दिस आई कैन ड्रॉ, आई कैन राइट एनी थिंग, आई कैन राइट माई टॉपिक। So this is the way how I can use canvas through this canvas, मैं कैसे इसमें यूज करूंगी। I have to open the canvas, मुझे canvas ओपन रखना पड़ेगा, और उस canvas को ओपन करके I can create the new drawing and I can go to the meeting and then in meeting I can go to the present now and then I can go to the windows and that windows I can go to this Google Meet and then share and then I can click on the canvas. This is the sharing. ये sharing होने लग गई है मेरी canvas की and I can start my teaching. मैं इसमें teaching start कर सकती हूँ। ये share है सब बच्चों के बीच में। मैं कोई भी formula लिखना चाहूँ, मैं इसमें किसी भी तरीके से I can write. Okay. तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ एज अ बोर्ड। हालांकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने के लिए हम लोगों को, तो शुरू में वी कैन यूज द प्रेजेंटेशन देन वी कैन यूज द कैनवास। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द, आई कैन स्टॉप द शेयरिंग। अब मैं सोच सकती हूँ कि आप जो है वो समझ गए होंगे कि कैसे जी सूट का क्या फायदा है एंड वट इज द drawbacks, what are the drawbacks of Gmail account. If we go to the Google meeting through Gmail, then no recording can be done and only 100 students can enter into the meeting. So better we can make our G Suite if we are going to
taking a class of more than 100 students, then we can go to our G Suite account. उससे account के through हम क्या कर सकते हैं, अपना meeting set कर सकते हैं. So this is all about. I think you can understand. आप इससे attendance ले सकते हैं बच्चों की, तो आसानी से आप इससे class हम ले सकते हैं. So thank you very much.